ओके दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं यही उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। देखो, लॉकडाउन है, जरूरी है करना क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन पे घर पे बैठना है, लेकिन क्या जरूरी है कि हमें बोर होना है? नहीं, आप शेविंग वीडियो देखो, शेविंग करो, एंजॉय करो, कुछ नई हॉबी बनाओ इस बार, जैसे कि शेविंग। और आज इसी हॉबी को हम थोड़ा एक्सटेंड करने वाले हैं। हमने आज तक बहुत सारे ऐसे प्रीमियम लग्जूरियस प्रोडक्ट्स यूज़ किए जो कि थोड़े प्राइस पॉइंट पे आते हैं, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आपको अच्छी शेविंग करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है? आज उसी विषय पे हम बात करेंगे कि बजट में कैसे एक अच्छी शेव कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले देख लीजिए कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे हम, और फिर शुरू करते हैं शेविंग। यस दोस्तों, तो अब फेस वॉश भी बजट में कौन सा? देखिए, वैसे तो पतंजलि का है ये नीम तुलसी फेस वॉश, या और भी फेस वॉशेस आते हैं, लेकिन मैंने आज उससे भी एक लेवल थोड़ा नीचे का सोचा है। तो आज मैंने यूज किया है फियामा डिफिल्स का ये वाला बाथ सोप एज अ फेस वॉश, क्योंकि ये ग्लिसरीन बेस्ड है। तो वैसे आप चाहें तो पतंजलि का भी आता है ग्लिसरीन बेस्ड सोप, या पियर्स अगर आप यूज करते हो तो वो भी आता है, उससे भी आप फेस वॉश कर सकते हो, उसको आप एज अ प्री शेव भी यूज कर सकते हो। तो आप ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स को भी कभी सभी आप यूज कर सकते हो एज अ फेस वॉश, चेहरा धोने के लिए शेविंग से पहले, या रेगुलर अगर आप उसको नहाने के टाइम पे यूज कर सकते हो तो फिर ठीक है, आप चेहरा धोते ही उससे फिर कोई अलग से उसको यूज करने की जरूरत नहीं, या फिर एज अ प्री शेव भी यूज कर सकते हो, तो वो भी आज मैं आपको बताता हूँ, आप बात निकली है तो। और यस, रेजर जो हमारा है वो जिलेट का ये रेजर है, 22 रुपए का रेजर मिलता है। इसका ये एक ऑरेंज वर्जन भी आता है, ऑरेंज कलर का। और ब्लेड जो है हमारी, वो आज मैं यूज कर रहा हूँ ग्लैड्स, ऑल्दो ये कोई बहुत ज्यादा बजट ब्लेड नहीं है। वैसे आरके स्टेनलेस हो गई, या आरके क्रोमियम हो गई, या कोई और ब्लेड हो गई टोपाज वगैरह, वो बजट ब्लेड्स में आएंगी। लेकिन एक ब्लेड को अगर आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो तो वो भी आपको बजट कैटेगरी में आ जाएगी। तो इन्हीं कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए आइए लादरिंग शुरू करते हैं, और लादरिंग से पहले थोड़ा सोप को ऐसा प्रीशेव कैसे यूज करना है वो भी देख लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी चेहरे पे, ओके, और ये जो सोप है, अब इसको बस आप हल्का सा जो है इसको यूं लगा लीजिए, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा रगड़ना नहीं, और सिर्फ अपने हाथों से ही इसको सिर्फ अपने स्टबल के ऊपर, बालों के ऊपर आप स्प्रेड कर रहे, ये इस तरीके से बस, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब हम कुछ लोग प्रीशेव ऑयल यूज करने से परहेज करते हैं क्योंकि उनकी ऑयली स्किन होती है, या फिर यार उनके कुछ और कंसर्न होते हैं कि उनको ऑयल करना इतना यूज करना इतना पसंद नहीं आता क्योंकि स्लिपरी हो जाते हैं हाथ, वो स्लाइमी फीलिंग हो जाती है। तो उससे अच्छा ये है कि आप इस तरीके को भी ट्राई करके देखो। अब हम जो शेविंग क्रीम यूज कर रहे हैं वो है विजॉन। इसको अगर कहें कि इंडिया का सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर शेविंग क्रीम है जो हर जगह मिल जाता है तो गलत नहीं होगा। और ये है इसका ट्रॉपिकल लाइम, मतलब नींबू के, लाइम नींबू मौसमी के फ्लेवर वाला है, सीट्रस है बेसिकली, कहने का तात्पर्य ये है। ब्रश, अब आप लोग सरप्राइज होंगे कि भाई आप ये ब्रश यूज कर रहे हो, अच्छा, तो ब्रश यूज कर रहे हैं हम पिंक वुल्फ का 179 रुपीज वाला, ये सॉफ्ट सिंथेटिक नॉट वाला ब्रश, मेरे हिसाब से बिल्कुल बजट में आएगा, बिल्कुल बजट में आएगा। देखिए, कुछ ब्रशेस ऐसे होते हैं और जो मैंने पहले यूज किए आपको पता है नायलॉन ब्रिसल होते हैं, लेकिन बहुत हार्ड होते हैं, आप अगर यूज करना चाहें तो जरूर करें, लेकिन मैं कहूंगा कि ये भी ब्रश बजट में ही है, इसको भी यूज करके देखना चाहिए एक वेट शेविंग हॉबी में। चलिए, ब्रिसल से थोड़ा सा गीला किया था हमने, और अब लादरिंग शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया सीट्रस खुशबू, जो लोग लग्जूरियस शेव करना प्रिफर करते हैं उनको भी मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप बीच बीच में बजट शेव जरूर क्या कीजिए, क्योंकि बजट शेव में क्या होता है ना, जो आपको एक्स्ट्रा छूट मिलती है, जैसे स्लिकनेस ज्यादा मिलती है लग्जूरियस प्रोडक्ट्स में, रेजर की बनावट बड़ी अच्छी होती है, ब्लेड्स आप बड़ी शार्प और बड़ी शानदार यूज करते हैं तो जरूर कीजिए, नो डाउट, आपको अपनी प्रेफरेंस पता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और आप उसी हिसाब से पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ।
लेकिन बजट शेव्स करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ बीच बीच में, क्योंकि बजट शेव में क्या होता है ना, आपकी टेक्निक को इम्प्रूव करने का आपको मौका मिलता है, क्योंकि ये बजट शेव है, इसमें प्रीमियम कुछ भी नहीं है। जो बेयर मिनिमम प्रोडक्ट्स है या जो बेयर मिनिमम आप समझ लीजिए जरूरत को पूरा कर देने वाला एक प्रोडक्ट होता है, वो यूज करना होता है बजट शेव में, तो उसमें टेक्निक इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलती है। तो देखो अब वो हमने ग्लिसरीन वाला सोप लगाया था फियामा का, उसके ऊपर ये हमने विजॉन का शेविंग क्रीम जो है वो अप्लाई करके और लादर बहुत बढ़िया बना लिया। एक और चीज मैं आपको रिकमेंड करता हूँ या सजेस्ट करता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की है कि जब आप बजट शेव कर रहे हो ना तो आप बहुत ज्यादा दिनों का गैप न रखें, हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर शेविंग कर लें, क्योंकि अगर इस टाइप का आप रेजर लेते हैं तो ये थोड़ा माइल्ड ही रहता है, अगर आप इससे फिर महीने भर की या 1.5-2 महीने की शेविंग करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, फिर आप कहेंगे नहीं यार ये मेरे लिए नहीं, ये क्या बजट हो गया वो बजट हो गया। आपको प्रोडक्ट्स को सही तरीके से यूज करते भी आना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बजट शेव में। तो ठीक है, हमारा लादर हो गया और ग्लैड्स का ब्लेड है यूज नंबर 2 पे, जिलेट का ये 22 रुपए वाला प्लास्टिक का रेजर है फ्लिप टॉप वाला इस तरीके का, और अब हम शेविंग करते हैं, आउटर शेव पे भी हम जरूर जाएंगे। चालू करते हैं शेविंग। दूसरी एक और बात ये दोस्तों कि अगर आपको मल्टीपल पास करने की जरूरत नहीं है ना तो जबरदस्ती मत करो, आपका अगर एक पास में काम हो रहा है कि भाई अगर आपको कोई मीटिंग में जाना है या प्रेजेंटेबल रहना है और एक पास से आपका काम चल जाएगा सुबह से शाम तक, और दूसरे तीसरे दिन की आपको कोई चिंता नहीं है कि भाई उसके 3-4 दिन बाद फिर दाढ़ी बना ली तो भी चलेगा वन पास में, तो फिर आप वन पास ही करो, मल्टीपल पास भी क्यों करते हो, क्योंकि जितने ज्यादा आप पासेस करोगे उतने ज्यादा एज घिसता है ब्लेड का, तो उतनी ज्यादा शार्पनेस उसकी कम होगी, उतनी ज्यादा उसकी लाइफ कम हो जाती है ब्लेड की। प्रोडक्ट की मेंटेनेंस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की लाइफ कैसी होगी। बजट में कुछ और रेजर्स भी आते हैं, और प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे जिलेट का स्टर्लिंग है 80 रुपए का मिलता है, मेटल का हेड है, प्लास्टिक का हैंडल है, वो भी एक बजट कैटेगरी में ही आता है, बड़ा अच्छा रेजर है, वो भी जरूर यूज करके देखना चाहिए। उसी जैसा लेजर अल्ट्रा का भी एक रेजर आता है, मेटल हेड और प्लास्टिक हैंडल, वो भी काफी लोग तारीफ करते हैं उसकी। फिर इस टाइप के कुछ और रेजर्स भी आते हैं, जैसे जॉरिक का आता है, लेजर का भी आता है ब्लू कलर का, इसी टाइप का रेजर, वो भी 20 रुपए का आता है, और काफी सारे और आते हैं, काफी सारे आते हैं। अब जो मैंने साबुन को एज अ प्री शेव लगाया था ना, और दोस्तों साबुन मतलब कोई भी साबुन नहीं, ग्लिसरीन बेस्ड साबुन ही होना चाहिए जो आपकी स्किन को ड्राई ना कर दे, मॉइस्चराइज करके, वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी बात है। अगर आप कोई भी साबुन लेके लगा दोगे और फिर वो स्किन को ड्राई कर देगा तो वो प्री शेव की बेनिफिट देने के बजाय उल्टा इफेक्ट कर देगा, फिर आपको बड़ा इरिटेशन महसूस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये जो मैंने साबुन लगाया था फियामा निवेल्स का एज अ प्री शेव, उसका इफेक्ट मेरे को डेफिनेटली महसूस हो रहा है, मतलब ग्लाइड वगैरह जो है इंक्रीज है, काफी अच्छी ग्लाइड मिल रही है, और एक कुशनिंग थोड़ा ज्यादा है। छोटे छोटे स्ट्रोक्स ये एक हमारा डायलॉग काफी पसंद आया लोगों को, छोटे छोटे स्ट्रोक्स, तो ये आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेके भी एंजॉय कर सकते हैं, लंबे लंबे स्ट्रोक्स लेना चाहे तो लें, लेकिन शुरुआत शुरुआत में जब आप शेविंग सीख रहे हो या आपको पता नहीं है कौन सा रेजर कैसा है तो आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स ही लीजिए, ब्लेड के मामले में भी खास करके। एंगल भी अलग अलग चेंज करके देखिए, हर किसी को एक ही एंगल पे सारे रेजर जम जाए ये भी जरूरी नहीं है, हर रेजर के साथ में अलग एंगल एक्सप्लोर करना भी जरूरी होता है। जैसे बांसुरी मैं प्ले करता हूं तो उसमें अगर आपको एक सी शार्प की बांसुरी बजाते आके तो जरूरी नहीं है कि आपको डी की बांसुरी भी बजाते आ जाएगी और आपको जी स्केल की भी बांसुरी बजाते आ जाएगी, आपको हर बांसुरी के साथ अलग प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो वैसे ही रेजर का भी कुछ सेम हिसाब किताब है। आपको हर रेजर हर ब्लेड के साथ में 3-5 बार शेव करके जब आप देखें तो आपको पता पड़ेगा कि भी इसका एक्चुअल एंगल क्या है, इसको कितने यूज के लिए यूज करना चाहिए ब्लेड को।
इस तरीके से आपको सारी चीजें पता पड़ जाएगी। अब ये वन पास शेव हो गई, बहुत ही बढ़िया, जरूरत ही नहीं है सेकंड पास करने की, क्योंकि कोई क्लोजनेस एक्सपेक्टेड नहीं है, कोई मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि बड़ी क्लोज हो, बस ये प्रेजेंटेबल शेव है, देख सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा स्टबल दिखेगा अभी, दैट्स ओके, बट जैसे आप सुबह अगर ऐसी शेविंग करते हो तो फिर शाम तक स्टबल आएगा, मतलब दिन भर अगर आपको प्रेजेंटेबल रहना है तो बजट में आप प्रेजेंटेबल शेव कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं आफ्टर शेव सेक्शन की तरफ। तो क्योंकि हमने विजॉन का शेविंग क्रीम यूज किया, इसलिए हम विजॉन कंपनी का ये कोबरा, ये सेंट जॉन है वैसे, लेकिन विजॉन कंपनी का ये सेंट जॉन का ये कोबरा आफ्टर शेव यूज करेंगे और देखेंगे इसकी कैसी फीलिंग है। वैसे यूज किया हुआ है इसको पहले, अब देखो मैंने पानी रखा हुआ है चेहरे पे, क्योंकि ये अल्कोहल बेस्ड आफ्टर शेव है तो ये थोड़ा सा बर्न करता है, तो इसके लिए मैंने पहले से पानी रख रखा है ताकि बर्न कम हो जाए, लेकिन इफेक्ट वही मिले आफ्टर शेव का। बहुत बढ़िया खुशबू, फ्रेश, तो आफ्टर शेव लगाने के बाद में अब थोड़ा सा पानी और बचा हुआ है तो ये मैं पहुंच के आ जाता हूँ। तो अब दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो शेव कंप्लीट हो गई, आफ्टर शेव हमने लगा लिया है, अब हल्का सा, बहुत ही हल्का सा ड्राइंग इफेक्ट, बहुत ही हल्का सा, मतलब नेग्लिजिबल है क्योंकि अल्कोहल बेस्ड आफ्टर शेव यूज किया, लेकिन हमने फियामा का जो सोप यूज किया था एज अ प्री शेव, उससे थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट डेफिनेटली हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चर की जरूरत है आफ्टर शेव लोशन लगाने के बाद में भी, तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या फिर आपकी जो मनपसंद क्रीम है वो भी आप लगा सकते हो। गर्मी के टाइम पे जनरली लोग आफ्टर शेव स्प्लैश लगाना पसंद करते हैं क्योंकि स्किन थोड़ी सी ऑयली हो जाती है, इसलिए वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती। बाकी बड़ा अच्छा लग रहा है, शेव कंप्लीट हो गई, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि यार बीच बीच में आप बजट शेव जरूर किया करो, इससे आपको टेक्निक इंप्रूव करने का मौका मिलेगा, प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि क्या आपको एक अच्छी शेव पाने के लिए हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत है। अगर नहीं है तो फिर क्यों इतने पैसे निकाल रहे हो यार, बजट शेव करो, खुश रहो ना यार, हम भी तो यही करते थे शुरुआत में। ऑल राइट, सो अगली बार मिले उससे पहले कीप अप द गुड शेव्स, बाय बाय, नमस्कार।